हेलो दोस्तों, मैं पायल सिन्हा स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। आज हम शेयर करने जा रहे हैं 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी, जिसे हम होटलों और रेस्टोरेंट में स्टार्टर के तौर पे मंगवाते हैं। जी हाँ, मसाला पापड़, जो काफ़ी यम्मी और टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे आज किचन के रेगुलर मसाले और सब्जियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन है, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मैं प्रेरित होकर आप लोगों के साथ अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर कर सकूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक पापड़ लिया है, जिसे तवे पे अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसमें हमने थोड़े से तेल को ग्रीस किया है, आप चाहे तो ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से तेल लगा देने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो इसे हम अच्छी तरफ से दोनों तरफ से तेल लगा लेंगे और इसे उलटते पुलटते सेकेंगे। इसे सेकने में एक ट्रिक है कि इसे हम किनारों से दबा दबा कर सेकेंगे, क्योंकि इसके किनारों को उठने नहीं देंगे, उठ जाएगा तो मसाला पापड़ अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे हम उलटते पुलटते दबा दबा कर सेकेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा। फिर इस पर अब हम गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बारीकी कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बच्चों को देना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बारीकी कटी हुई प्याज डालेंगे। उसके बाद डालेंगे टमाटर, लेकिन टमाटर के पल्प को अलग कर देंगे, फिर इसे हम कट करके डालेंगे। जैसे जैसे इस पर हम गार्निश कर रहे हैं, ये देखने में अच्छा और यम्मी लग रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इससे एक चटपटा फ्लेवर आता है, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे महीन वाली सेब। तो महीन वाली सेब डालने से पापड़ में टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है, साथ में बहुत क्रंचीनेस भी लगता है। तो महीन वाली भुजिया आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर बारीक कटी हुई हरी ताज़ी धनिया पत्ती, यहाँ पे आप चाहे तो पुदीना पाउडर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा, काला नमक, लेकिन कुछ भी डालें, थोड़ा सा ही डालें, ताकि सबका स्वाद अलग से आ सके। फिर हम यहाँ लास्ट में एक आधी नींबू निचोड़ देंगे और उसके बाद ये मसाला पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे स्नैक्स के रूप में या फिर ऐसे भी चाहे तो खा सकते हैं, और बनाना इसको तो बहुत ही आसान है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय।